अगर आप फोन पे यूजर होंगे तो काफी दिनों से आपको एक पॉपअप आ रहा होगा सिक्योरिटी कंसर्न को लेकर। यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके का, अपग्रेड योर कार्ड सिक्योरिटी, मेक योर कार्ड एक्स्ट्रा सिक्योर विद आरबीआई न्यूली अप्रूव्ड अपग्रेड करके। यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आपको दिख रहा होगा, कुछ लोगों ने इसे कंसेंट दिया होगा, कुछ लोगों ने इग्नोर किया होगा। एक्चुअली ये कंसेंट है क्या, क्यों इस तरीके का पॉपअप आपको दिख रहा है? तो आरबीआई के गाइडलाइंस आए थे सितंबर मंथ में, एक फाइनल गाइडलाइंस आरबीआई की आ गई थी। जितने मर्चेंट है या फिर यहाँ पर ऑनलाइन जितने भी कार्ड यहाँ स्टोर होते हैं, तो कोई भी मर्चेंट उसे स्टोर नहीं कर पाएगा, फ्लिपकार्ट हो या फिर फोन पे हो या कोई भी डिजिटल वॉलेट हो, वो आपका कार्ड का डिटेल सेव नहीं कर पाएगा। कार्ड डिटेल सेव नहीं होगा तो फिर ट्रांजेक्शन कैसे होगा? उसके लिए आरबीआई ने गाइडलाइंस में बताया था कि वो टोकनाइजर सिस्टम लाएगी, मीन्स आपका कार्ड नंबर की जगह एक टोकन नंबर सेव हो जाएगा। आपका एक प्रॉपर कार्ड नंबर उनके डाटा बेस पर नहीं रहेगा, सिर्फ एक टोकन नंबर रहेगा, उसके थ्रू ट्रांजेक्शन हो पाएगा। तो उसी के लिए यहाँ पर जितने भी मर्चेंट है वो इस तरह के यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन दे रही है, चाहे वो और भी एप्लीकेशन हो, आपको इस तरह का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तो फोन पे भी अपने यूजर्स को नोटिफिकेशन दे रहा है, इसलिए कि 1 जनवरी 2022 के बाद से आपको ट्रांजेक्शन करने में दिक्कत ना हो। एक्चुअली अगर आप कंसेंट नहीं देते हैं तो आपको बार बार कार्ड नंबर लिख के ट्रांजेक्शन करना होगा, ऐसे आपका कार्ड जो सेव होता था ऑटोमेटिकली 1 जनवरी 2022 के बाद से डिलीट हो जाएगा अगर आप कंसेंट नहीं देते हैं। अगर कंसेंट दे देते हैं तो ये कार्ड नंबर सेव रह जाएगा और कार्ड नंबर आपका टोकनाइजेशन सिस्टम में बदल जाएगा, मीन्स वो कार्ड नंबर उनके डाटा बेस पर नहीं रहेगा, सिर्फ टोकन नंबर उनके डाटा बेस पर रहेगा। तो यही कंसेंट यहाँ पर मांगा जा रहा है। तो यहाँ पर कंसेंट में जैसे ही आप यस आई अपग्रेड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप टर्म एंड कंडीशंस कुछ बताए जाएंगे कि क्यों ऐसा किया जा रहा, तो आपको कन्वीनियंट होगा, एक्सेप्टेड वाइडली। यहाँ पर जैसे पहले आप चीज़ें कर पा रहे थे उसी तरीके से आप ट्रांजेक्शन्स कर पाएंगे। अगर नहीं कंसेंट देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या है कि बार बार आपको अपना कार्ड नंबर डालना हो, क्योंकि आरबीआई की गाइडलाइंस आ गई यहाँ पर कि कार्ड नंबर सेव ही नहीं कर सकता कोई मर्चेंट, तो उसको टोकनाइजेशन सिस्टम में ही सेव किया जाता है टोकनाइज करके ही। तो आपका कार्ड नंबर टोकन नंबर में बदल जाएगा। अगर आप यहाँ पर यस करेंगे, सिंपली देख सकते हैं अपग्रेड सिक्योरिटी पर क्लिक करेंगे तो आपका सिंपली कार्ड टोकनाइज हो जाएगा और जितने भी कार्ड यहाँ पर सेव हैं फोन पे एप्लीकेशन पे वो आपका टोकनाइज हो जाएगा। तो इजी एक सिंपल प्रोसेस यहाँ पर फोन पे ने दिया है अपने यूजर्स के एक डाटा को सेव करने के लिए, कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर सिंपली आपको कंसेंट दे देना, अगर नोटिफिकेशन नहीं आया तो कोई बात नहीं, आ जाएगा तो यस कर लेना है, और नहीं भी आप कर रहे हैं तो दोबारा आप कार्ड जैसे ही सेव करेंगे डिलीट करके पुराना कार्ड नंबर, तो ऑटोमेटिकली वो टोकनाइज हो जाएगा। वहाँ पर एक नोटिफिकेशन आपको देगा कि कार्ड को आपको टोकनाइज करना या नहीं करना, तो आपको सिंपली यस कर देना अगर आप चाहते हैं कि मेरा कार्ड नंबर वहाँ सेव रहे टोकनाइज फॉर्म में।